वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल, बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, आज जनादेश का दिन है, वो जनादेश जो 7 अलग अलग चरणों में भारत की महान जनता ने सुनाया है और आज वो जनादेश सार्वजनिक होगा। ये तय हो जाएगा कि अगले 5 वर्षों के लिए देश पर शासन कौन करेगा, किसकी सरकार बनेगी और कौन विपक्ष में बैठेगा। लेकिन आज की मतगणना अद्भुत है, न तो नेताओं ने संभवतः और न पत्रकारों ने ऐसी मतगणना देखी होगी जिसमें मतगणना से पूर्व इस तरह का तनाव हो। और खासतौर पर जब से ईवीएम का युग आया तब से तो ये तनाव की बात ही खत्म हो गई थी। जब मतपत्रों के जरिए निर्वाचन होता था तब भी थोड़ा बहुत तनाव रहता था, काउंटिंग के दिन, चुनाव के दिन तो बहुत रहता था, काउंटिंग के दिन भी थोड़ा बहुत रहता था, लेकिन ईवीएम के बाद वो तनाव धीरे धीरे खत्म हो गया। लेकिन इस बार तनाव बढ़ा है। देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने अपने देश भर के नेता कार्यकर्ताओं को एक पत्र जारी करके कहा कि घर में टीवी देखना साफ मना, सख्त मना है, घर में टीवी पर मतगणना मत देखिए, प्रदेश कार्यालय पहुंचिए, केंद्रीय कार्यालय पहुंचिए या जिला कार्यालय पहुंचिए, इन तीन में से किसी एक कार्यालय पर रहिए, खाने को वहीं छोला भटूरा मिलेगा, ठंडा पानी मिलेगा, लेकिन रहिए वहां, घर पर नहीं चलेगा। और वहां से मतगणना स्थल तक पहुंचाने की पूरी व्यवस्था रखी जाएगी इमरजेंसी स्तर पर। यानी कार्यकर्ता नेता एक जगह हो इकट्ठे, और कांग्रेस में जो नेता भीड़ जुटाने के मामले में थोड़ा कुशल हैं उनसे विशेष रूप से कहा गया है कि आपको तैयार रहना है, एक मैसेज पर आपको काउंटिंग स्थल पर पहुंचना है 1500 आदमी लेकर। और वहीं अखिलेश यादव ने भी यही इसी ढंग का एक एडवाइजरी अपनी पार्टी के जीते हुए विधायक, हारे हुए विधायक, भावी विधायक, जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, शहर कमेटी, जिला कमेटी, बूथ कमेटी सबके नाम एक चिट्ठी लिखी। और अखिलेश जी ने कहा है कि आप लोग मतगणना केंद्र पर रहिए, उन्होंने ये भी नहीं कहा कार्यालय में रहिए, उन्होंने डायरेक्ट मतगणना केंद्र पर रहिए, वहां बिल्कुल चीते की चाल और बाज की नजर, चील की नजर, ऐसी शैली में रहिए, सन्नत। आप कार्यालय में भी नहीं रहिए, घर पर भी नहीं रहिए, मतगणना केंद्र पर रहिए, छोटे नेता हो तो भी और बड़े नेता हो तो भी सब उतरो, मतगणना केंद्र पहुंचो। ऐसी ही व्यवस्था बिहार में तेजस्वी यादव ने की है। अखिलेश जी ने अपने नेताओं से कहा है और कार्यकर्ताओं से कि तब तक मतगणना केंद्र पर रहो, चारों तरफ उसकी घेरा बना लो, चारों तरफ उसका घेराव कर लो, जब तक कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को विजयी होने का सर्टिफिकेट रिटर्निंग ऑफिसर ना दे दे, बोले उसके बाद ही घर जाना। अब एक इसमें तकनीकी प्रश्न खड़ा हो रहा है कि मान लो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी वहां नहीं जीत रहा है, हार गया, तो फिर क्या सपा के नेता कार्यकर्ता घर नहीं जाएंगे, वहीं बैठेंगे 5 साल तक, क्योंकि उनको तो फिर सर्टिफिकेट मिलेगा नहीं उनके उम्मीदवार को। और अखिलेश जी ने चिट्ठी में लिख दिया कि तब तक आप वहीं रहेंगे जब तक कि सपा के उम्मीदवार को जीतने का प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता। अब अगर नहीं मिला प्रमाण पत्र तो सपा के नेता वही रहेंगे क्या? ये थोड़ा बुनियादी सवाल है, लेकिन है तो ऐसा तनाव मतगणना को लेकर। और कल आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के
पुलिस महानिदेशक डीजीपी प्रशांत कुमार और उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह, इन दोनों लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीपी ने बहुत सनसनीखेज खुलासा ये किया था कि मतगणना के दिन कुछ तत्व अशांति और हिंसा फैलाना चाहते, कुछ टेलीफोनिक बातचीत इसी ढंग की लोगों की, वो भी हाथ लगी है पुलिस की। तो ये तनाव क्यों और तनाव फैलाना क्यों और तनाव महसूस क्यों करना? आप अपने हजारों कार्यकर्ताओं से ये क्यों कह रहे हैं कि मतगणना केंद्र पर पहुंचो? सब मतगणना केंद्र पर बहुत भीड़ जुटाने से कोई लाभ होता हो? ये रैली तो है नहीं मतगणना केंद्र में। मतगणना केंद्र और रैली स्थल पर अंतर तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मतगणना केंद्र पर केवल उन्हीं लोगों के लिए वो होना चाहिए, उसके 200 मीटर तक के दायरे में केवल उन्हीं लोगों को आने जाने देना चाहिए जो उस प्रक्रिया से जुड़े हों, उम्मीदवार हो, उम्मीदवार के अभिकर्ता हो, एजेंट हो, प्रशासनिक अधिकारी हो, चुनाव आयोग के कर्मचारी हो, अधिकारी हो, तो बात समझ में आती है। बोले नहीं, ब्लॉक कमेटी, जिला कमेटी, शहर कमेटी, सबका कार्यकर्ता नेता सब वहीं जुटेंगे, वहीं है। तो फिर तो वो विचित्र स्थिति पैदा हो जाएगी और शायद टकराव का कारण भी बन जाए, क्योंकि एक पार्टी के लोग जुटेंगे तो स्वाभाविक है जवाब में दूसरी पार्टी के लोग भी जुटेंगे वहां, तो तनाव बढ़ना स्वाभाविक है। लेकिन बड़ा प्रश्न यह है कि लोकतंत्र में इसकी जरूरत क्या? आज तो जजमेंट का दिन है, आज तनाव कर क्यों? आज तनाव की कोई जरूरत ही नहीं होनी चाहिए थी। 75 दिन 76 दिन खुद तनाव कर लिया चुनाव की प्रक्रिया में। आज तो जनता ने जो जनादेश ईवीएम में दर्ज किया है, कैद हो गया, उसी को तो खोल के गिन के सुनाना है। फैसला तो कर चुकी जनता, और फैसला जनता का है तो आप विपक्षी दलों की नाराजगी चुनाव आयोग पर क्यों, विपक्षी दलों की नाराजगी एग्जिट पोल करने वालों पर क्यों? सबका सार्वजनिक अभिनंदन कर रहे हैं एक लाइन से खड़ा करके, नेता कह रहे हैं मतगणना से पहले कि हम एटा जीत रहे, इटावा जीत रहे, मैनपुरी जीत रहे, का या कन्नौज जीत रहे, आजमगढ़ जीत रहे, सहारनपुर जीत रहे, संभल जीत रहे, ऐसे उंगली पर रख के गिना रहे, तब जायज है। तो लोकतंत्र सुरक्षित है, संविधान मजबूत है, खाया पिया है, बिल्कुल तंदुरुस्त। लेकिन अगर यही बात के कोई एग्जिट पोल वाला कह दे तो वो गाली का पात्र हो गया, बोले इन्होंने संविधान तोड़ दिया, इन्होंने लोकतंत्र तोड़ दिया, इन्होंने लोकशाही को खंडित कर दिया, इनकी हाय हाय। क्या नेता ऐसा नहीं बोल रहे कि ये हम जीत रहे, ये हम जीत रहे, ये हम जीत रहे, यहाँ हम जीत रहे, हम इतनी जीत रहे, बोल रहे हैं ना सब लोग और टीवी के सामने बोल रहे हैं। तो आप बोलो तो लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, और यही बात कोई एग्जिट पोल करने वाला बोल दे, कोई पत्रकार बोल दे, तो आपको तकलीफ कि लोकतंत्र खतरे में है, मनोवैज्ञानिक दबाव डालने की कोशिश हो रही है, मीठा मीठा गप गप और गड़बड़ गड़बड़। तो आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण कि आज देश अपना आदेश सुनाएगा राजनीतिक दलों के लिए, राजनेताओं के लिए, कि सरकार में कौन रहेगा 5 वर्ष। और चिंतन का विषय ये कि मतगणना के दिन तनाव क्यों, और मतगणना केंद्रों पर सर पे कफन बांध के बलिदान देने के लिए पहुंचो, ऐसा भाव और ऐसा आवाहन क्यों? बड़ा सवाल है, सोचिए। धन्यवाद। वी गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।